जहानाबाद जिले के एक निजी रेस्ट हाउस में पूर्व मंत्री नागमणि सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में मैं अपनी एक नई पार्टी का जल्द गठन कर घोषणा करूंगा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता लालू और नीतीश के शासनकाल से उब गई है और सूबे में विधि व्यवस्था की जो समस्या है वह आज भी बनी हुई है। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। विधि व्यवस्था की स्थिति भी नाजुक हो गई है। इसलिए बिहार के आम लोग, आम जनता का डिमांड है, पब्लिक डिमांड है कि बिहार में एक नई पार्टी बनाए, क्योंकि मुझे कहने में त्राय नहीं कि लालू जी का 5 साल का शासन भी अच्छा था और नीतीश कुमार का भी शासन अच्छा था 5 साल, लेकिन उसके बाद 5 साल के बाद बिल्कुल दोनों लालू जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार है बिल्कुल समाप्त हो गया। कहीं कोई आम जनता पर पकड़ भी नहीं है, प्रशासन पर पकड़ नहीं है और बिल्कुल सब डेवलपमेंट खत्म हो। इसलिए नई पार्टी बनाने का जो उद्देश्य मेरा है और 30 सितंबर को पटना में पटना के गोला रोड में टी पॉइंट में एक बड़ा मैदान है, उसी मैदान में वो नए पार्टी का घोषणा होगा और इसमें मुख्य रूप से हम जहानाबाद, पहले मसौढ़ी, अभी जहानाबाद आए हैं। लगातार बिहार के सभी पूरे बिहार में इसी तरह का सब प्रखंड और जिलाओं का दौरा लगातार 15 दिन का है और 30 सितंबर को ही आप मीडिया के माध्यम से यहाँ के सभी जाति समुदाय के लोगों से पुरजोर निवेदन करता हूँ कि 30 सितंबर को सब लोग पहुँचे ताकि नए सोच और नए मुद्दे के साथ हम लोग नई पार्टी बनाते हैं। कौन सी पार्टी होगी सर आपकी? पार्टी का नाम तो अभी तय नहीं हुआ। 30 सितंबर को पूरे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश के लोग, 5 राज्यों के लोग आए हैं तो सबसे राय मशविरा करके नए पार्टी का नाम रखा जाएगा। लेकिन इतना बिल्कुल सही है कि डॉक्टर